हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग हैरियर सिंगर वेलकम हो गए आपके एक और मज़ेदार एपिसोड में। तो आज हम लोग फिर से खेलने जा रहे हैं फार्मिंग सिमुलेटर 2022। तो पिछले एपिसोड में हमने कनोला जो उगाया था वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, हार्वेस्ट होने के लिए रेडी हो चुका है। तो आज इस वीडियो में हम लोग तीनों फील्ड्स का कनोला जो हमने उगाया था वो हार्वेस्ट करेंगे। तो देखते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें, मुकम्मल रेडी हो चुका है हार्वेस्ट होने के लिए। तो जल्दी से इसे हार्वेस्ट करते हैं ताकि ये जो है ना ख़राब ना हो जाए, तकरीबन वो क्या कहते हैं साढ़ गाल ना जाए। तो दूसरी फील्ड का भी मैं दिखाता हूँ आपको क्या पोजीशन है उसकी। तो वो भी मुकम्मल हो चुका रेडी होने के लिए। तो और ग्रीन हाउस की आपको अपडेट देता हूँ। तो हमें तकरीबन फल वगैरह और फ्रूट्स वगैरह सही से मिल रहे हैं। फल फ्रूट और सब्जी वगैरह जितने भी ये मैंने उगाई थी वो मुझे मिल रही हैं, लेकिन अभी मैंने सेल नहीं की। तो अभी नेक्स्ट या उससे अगली वीडियो में हम ये भी जाके सेल करेंगे। और अब चलती हैं, अपने हार्वेस्ट करते हैं जो हमने वीट उगाई है। उससे पहले मैं आपको एग्स की जाके अपडेट देता हूँ क्या है, यानी कि कितने एग्स प्रोड्यूस हुए, कितने एग्स दिए हैं उन्होंने तकरीबन टोटल, वो जाके मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपकी एक और बात भी बतानी है मैंने। तो ये आई थिंक काफ़ी ज़्यादा हैं, पहले इतने कभी नहीं हुए हमारे ना। तो एक और बात बतानी थी मैंने कि मैंने एक एम रखा है कि ये फुल ट्रेलर जब फिल होगा एग्स के साथ तो फिर ही मैं जा कर इसे सेल करूँगा, अदरवाइज़ मैंने इसे सेल नहीं करना। तो हैंस वगैरह अच्छे से घूम फिर रही हैं, चिकन्स वगैरह, और चिकन का खाना भी आई थिंक कम है तो वो मैं डाल देता हूँ उन्हें। और उसके बाद ही हम लोग स्टार्ट करेंगे हार्वेस्ट करना। पहले हार्वेस्ट लगा देते हैं और फिर बाद में चिकन्स को उनका खाना डालेंगे। तो पहले हार्वेस्ट होने के लिए लगा देते हैं और वर्कर को हायर कर लेंगे, तो ताकि ये काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसे लगाते हैं हम लोग टॉप लाइनर। ओके, तो मैंने ना आप लोगों से मैंने पूछा था कि ये कनोला हार्वेस्ट करती भी है कि नहीं। तो फिर मैंने बाद में इसकी डिटेल्स वगैरह पढ़ी थी, तो ये कनोला हार्वेस्ट करती है और भी बहुत सी चीज़ें हार्वेस्ट कर लेती है। तो ये हमारे लिए आसानी हो गई है। एक तो यार ये शोर बहुत ज़्यादा होता है, जो भी हमारे पास मशीनरी है यानी कि ट्रैक्टर वगैरह उनका शोर बहुत ज़्यादा है और मुझे इससे चिढ़ होती है, जिनका भी कुछ करना पड़ेगा मुझे। अभी तो इसे झेलते हैं, बाद में इसका कुछ करेंगे हम। तो इसे यहाँ पर लगा देते हैं और सही से प्रॉपर तरीके से हम लोग इसे यहाँ पे रख देते हैं और वर्कर हायर करते हैं। ओके, इसे अभी तो हमने अनबॉक्स किया यानी कि इसे खोला है, अब हमने इसे स्टार्ट कर दिया। बहुत ही मुश्किल इसकी हैं फंक्शन, पूरी मुकम्मल गेम के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा ही मुश्किल वाले हैं। इसके हे बेल्स आई थिंक नहीं बनते क्योंकि वो वीट के बनते हैं, तो ये कनोला है आई थिंक इसके नहीं बनेंगे। तो अब हम लोग पायराज के मैंने वर्कर हायर कर लिया है। अब मैं आपको चिकन्स का वो जो हमने डालना था उनका खाना वगैरह वो मैंने डाल देता हूँ। चिकन का खाना बोलेंगे या क्या यार बोलते हैं, फीड आई थिंक, हाँ फीड। तो चिकन को फीड डालते हैं, हमारी जो वीट है वो ही उनका उनका फीड है। तो ये उन्हें डालते हैं तो यहाँ से प्रॉपर तरीके से। ओके, तकरीबन अब ये देखें, अब फील हो चुका है उनका खाना वगैरह उनके पास प्रॉपर तरीके से। अब यानी कि हमें वो भर के एग्स देंगी, भर भर के, और हम उन्हें सेल्स करेंगे जाके। सेल्स नहीं यार, सेल होता है, सेल करेंगे जाके, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और फिर हम लोग बहुत से चिकन कूप लगाएंगे, काओ वाला लगाएंगे, और शीप हॉर्स और भी बहुत से हम लोग बार लगाएंगे। तो पहले तो हमें एग देना चिकन्स, तो ना चिकन तो एग यार जल्दी से देना शुरू कर दो हमें ना। अब ये थोड़े से हैं, हमने पूरा ट्रेलर फिल करना है। ट्रेलर कितना बड़ा ट्रेलर है, ट्रेलर तो फिल्मों को होता है, ये ट्रैक्टर का ट्रेलर जो भी है ट्रेलर ही होगा। तो इसे फिल करें और हमें पैसा दें, ढेर सारा पैसा।
ये देखें, ये मैसी फर्गसन, ये आई थिंक सबसे छोटे वाला ट्रैक्टर हमारा है, मैंने इधर पार्क कर दिया था। तो इसका यार सीन बहुत ये था, ये देखें यहाँ से थोड़े से इसने छोड़ दिया, कैसा काम किया यार इसने, क्या यार पैसे भी लेते हैं फिर भी वर्कर सही से काम भी नहीं करते, क्या यार इससे अच्छा तो बंदा खुद ही काम कर ले। अब मुझे दोबारा से इधर लेकर जाना पड़ेगा, इतने पैसे दिए हैं उतने मेरा दोबारा से पेट्रोल लग जाना वापस जाने में। अच्छा एक बात आपने नोट किया, जहाँ जहाँ से मैं इसे गुजार रहा हूँ ना, जहाँ पे कनोला लगा हुआ है वो वहाँ से गायब हो जाता है, ये एक न्यू बात जो मैंने नोट की है। चलो इसका भी कोई इलाज करते हैं, मैं पर्सनली डॉक्टर भी हूँ ना। क्या यार बातें करता, दो फील्ड हमारे अभी और रहते हैं, अभी एक ही मुकम्मल हुआ हमारा, तो जल्दी जल्दी सीआर करती हैं। और आप लोग यार वो बता नहीं रहे मुझे कि मैं अब GTA 5 का क्या करूं और बाकी गेम्स कौन सी मैं स्टार्ट करूं सीरीज, यार आप लोग ढिल्ले हो यार, बताओ ना नेक्स्ट अब क्या करें, कौन सी सीरीज लाएं। मैं तो सिटी स्काईलाइन का स्टार्ट कर रहा हूं, फिर बाद में मुझे कोई बात ना कर, सिटी स्काईलाइन का साथ इसको और GTA 5 का भी मैं गेम प्ले अभी कोशिश कर रहा हूँ कि वो मिशंस वगैरह जो मेरे हैं वो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि क्या इशू बन गया था, जिसने जिसको नहीं पता कि क्या इशू बना है वो मेरी पिछली वीडियो देख ले और आपको पता चल जाएगा GTA 5 का क्या इशू बना है। तो अब आप बताएं यार मैं क्या करूँ, तो अभी इसको इधर हार्वेस्टर को इधर लगाते हैं इस वाले फील्ड में, और पिछले वाले फील्ड के अंदर हम लोग हल चला देते हैं, ट्रैक्टर हमारा खड़ा है, दो फ्री खड़े हैं यानी कि तीनों ही फ्री खड़े हैं फिलहाल, तो उसको इस वाले फील्ड में लगा देते हैं हम लोग। ये भी प्रॉपर से वर्क करेगा ना, मैं नहीं तो फिर मैंने लेतरा फेर देना है। लेतरा, जिसको वर्ड लेतरे की ना समझ लगे ना तो फिर वो मुझे कमेंट कर दे, मैं आपको डेफिनेशन कर दूंगा, वो थोड़ी सी ना तशरीह कर दूंगा। तो अब चलती हैं हम लोग, यार ये एक तो कव्वे जो बार बार आ जाते हैं ना, ये मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो अब चलते हैं, ये हमारा जो सबसे बड़े वाला, मुझे पहले नहीं पता था कि ये सबसे बड़े वाला हमारा ट्रैक्टर है, मुझे लगता था सबसे छोटा है, लेकिन जब मैंने इसकी प्राइस चेक की तो ये सबसे महंगे वाला, लेकिन ये लगता छोटा है मुझे, मेरे हिसाब से ना मुझे छोटा लगता है। पावर में वो दूसरा एक और है वो बड़ा लगता है, वो आई थिंक 7,000 है और ये 4,775 है, तो कौन सा बड़ा है आप बताएं। हल अटैच करते हैं हम लोग, इसे बैक करते हैं सही से, और प्रॉपर ऐसे जैसे फार्मर वाली वीव, वीव नहीं होता वाइब होता है, हाँ फार्मर वाली वाइब आ रही है। बैक करो इसे, और इसे वेट लिफ्टर बोलते हैं या लोअर वेट बोलते हैं आपने कमेंट करके बताना है मुझे, आपको पता है मैं यार अनएजुकेटेड पर्सन हूँ, आपको पता है यार ये कहाँ से डी अटैच हो गया, मैं क्या है यार, यहाँ ये देखें यार प्रो बंदा हूँ यार मैं, आपको कब से खप रहा हूँ, मैं प्रो बंदा हूँ, प्रो बंदा हूँ, मुझे अच्छी गेमें खिलवाओ, ये क्या मुझे फार्मर बना दिया आपने, मुझे पबजी खिलवाओ और गेमें खिलवाओ, कॉल ऑफ ड्यूटी खिलवाओ, बड़ी बड़ी गेमें खिलवाओ, ये क्या फार्मर बना दिया आपने मुझे, क्या बंदा बनेगा रे तुम, नहीं, क्या प्रो बंदा बनेगा रे तुम। तो इसे सही से लगा देते हैं यहाँ पे और फार्मर हायर करते हैं। और एक और चीज़ मैंने आपको दिखानी है जो कि मुझे कल पता चली है, कल नहीं बाद में, मैं ऑफलाइन गेम खेल रहा था तो तभी मुझे पता चली है कि ये भी हमारे फार्म में है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो इसे मैं इधर सेट करके दे देता हूँ, एक तो ये इनको पता भी नहीं चलता, ये ऐसे ही फिर ना कभी कहीं चले जाते हैं लेके, कभी दरमियान से शुरू कर लेते हैं कभी कहीं से, तो इन्हें प्रॉपर से एक साइड से हमें शुरू करना पड़ता है, फिर ये स्टार्ट करते हैं। तो चलता हूँ मैं वहाँ पे, जो मैंने आपको एक क्या कहते हैं मैजिकल या जो भी चीज़ है यार, ये जो बैक साइड पे है हमारे, इस ये मैंने देखी है लेकिन मैंने इसको चेक नहीं किया, तो इसे चेक करते हैं, आर से चेक होगा, क्वेश्चन मार्क है। अच्छा तो ये है हेल्प बुक, यानी कि हमारी कोई मदद वगैरह करने के लिए, ये क्या है,
इसका मुझे नहीं पता था। खुल गया आसिम सिम, खुल गया आसिम सिम, खुल गया। ओके गाइस, तो आई थिंक ये वो जगह है, मतलब यहाँ के प्राइवेट चीज़ें मुझे जो यहाँ पर रख सकती हैं वो उसके लिए है ये। यहाँ पे क्या चीज़ें, पार्ट्स वगैरह पड़े हुए हैं, पंखा भी लगा खड़ा है। ओके तो अच्छी चीज़ है, यहाँ पे हम लोग कोई चीज़ रख सकते हैं हमारी जो इम्पोर्टेंट है। वो बंद हो जा सिम सिम, ये देखें कैसा यार। फिर बताएं बताएं फिर। यार आपका भाई तो साथ साथ जादूगर भी है, गेमिंग गेमर के साथ साथ जादूगर भी है। और ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये वाटर वगैरह तकरीबन सही से चल रहा है, मतलब वाटर भी इनके साथ इनके पास प्रॉपर है, और इस वाले ग्रीन हाउस के पास भी वाटर प्रॉपर है, यानी अच्छे से वर्क कर रहे हैं हमारे ग्रीन हाउस। मुझे लग रहा है कि हमें ये बहुत ज़्यादा ही प्रॉफिट देंगे। तो है मुकम्मल तो हो गया है आई थिंक। हाँ ये देखें एग्स वगैरह सही से दे रहे हैं ना, हाँ सही से दे रहे हैं। आई थिंक ये 1400 पे फुल हो जाएगा ये ट्रे, ये जो है ना 1400 पे फुल हो जाएगा। बंद करके देखूँ इसे। ओके अच्छा, यानी कि जब हम कहीं सफ़र पे जा रहे होंगे तो हम इसे लॉक कर देंगे, यानी कि गिरे ना ये। अच्छी बात है, अच्छी बात है। गुड 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 गड गड बड़ गड गुड गड, यानी क्या बोल रहा हूँ यार मैं आज। चगले मार रहा हूँ, तो ज़्यादा चगले नहीं मारते। और इस वीडियो को यहीं पे एंड कर दे। शुरू में मैंने कुछ खास नहीं किया, यानी कि सिर्फ मैंने कैनोला ही क्या कहते हैं हार्वेस्ट किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आई, अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्यों नहीं किया मुझे पहले ये बताएं। क्या यार आपने भी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो मैंने बोलना नहीं है आपके साथ। जल्दी से सब्सक्राइब कर, जाकर कर दिया। ओके थैंक्स, वेरी वेरी थैंक्स।